हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आपके लिए लेके आई हूँ मुल्तानी मिट्टी के गुणों से भरा फेस पैक। क्योंकि गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं तो गर्मियों में मैं इचिंग की समस्या ज़्यादा होने लगती है, ये हम अपने फेस पे भी फील करने लगते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपको एक ठंडक का एहसास दिलाती है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ठंडी मानी जाती है, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक जो आपको नेचुरल तरीके से ठंडा महसूस कराएगी आपके फेस पर। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के ऊपर होने वाली खुजली, त्वचा की गंदगी, छाइयाँ और आपके वाइट हेड्स को निकालने में भी हेल्प करती है। मैं अपने फेस पैक के लिए बनाने के लिए तीन चीज़ों का यूज़ करूँगी, मुल्तानी मिट्टी और खीरे की प्यूरी एंड राइस फ्लोर। मुल्तानी मिट्टी मैंने आपको बताया आपको किस तरह से हेल्प करेगी और खीरा भी ठंडा माना जाता है, तो इसीलिए मैंने अपने पैक में खीरे का यूज़ किया है क्योंकि ये भी आपको एक नेचुरल तरीके से ठंडक फील कराएगा और ये आपके टैनिंग को रिमूव करने में, आपकी छाइयाँ दाग धब्बों को रिमूव करने में भी आपकी हेल्प करता है खीरा। और राइस फ्लोर ये एक वाइटनिंग और टाइटनिंग एजेंट होता है जो आपके स्किन पर नेचुरल तरीके से एक ग्लो लेकर आता है, तो इसीलिए मैंने इन तीन चीज़ों को सेलेक्ट किया है अपने फेस पैक बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं फेस पैक की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने अपना पैक बनाने के लिए राइस फ्लोर, क्योंकि मैं मुल्तानी मिट्टी का पैक बना रही हूँ तो इसलिए मैं ये सारी डाल देती हूँ, और इसको मिक्स करने के लिए मैं इसमें ये खीरे की प्यूरी मैंने बना रखी है, ब्लेंड करके इसको इस तरह से मैं बना लूँगी, इसको अच्छे से मिक्स में इस तरह से कर लूँगी, इसको इस तरह से मिक्स मैंने कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखाती हूँ। तो फेस पैक बनकर हमारा रेडी हो चुका है, अब हमें चाहिए ब्रश लगाने के लिए। तो आज मैं आपको नेचुरल ब्रश भी बताऊँगी आप किस तरह से बनाते हैं। जब आप मार्केट से कॉटन लेके आते हैं तो वो रोल में होती है, तो उस रोल को इस तरह से आप छोटा रोल बना लें, ये देखिए इस तरह से मैंने छोटा सा रोल बनाया है, और इसको हल्का सा आप वेट कर लें और इधर से ऐसे ऐसे कर लें तो आपका ब्रश बनकर भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए आज मैं इसी ब्रश से आपको लगा कर बताऊँगी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल ब्रश की तरह काम करता है ये। जब आप इसको गीला कर लेंगे तो ये बिल्कुल एक ब्रश की तरह काम करेगा। इस तरह से ऊपर की तरफ आप हल्का सा लगाएं इसको, इस तरह से कभी भी फेस पैक लगाएं तो उसको हल्का सा ऊपर की तरफ लगाएं, क्योंकि इसके अंदर मैंने राइस ऐड किया है, क्योंकि राइस के अंदर टाइटनिंग एजेंट होता है जो आपकी स्किन को टाइट करने में भी हेल्प करता है। और आप इसको नेक पर भी साथ साथ लगाएं क्योंकि आपकी नेक भी आपके फेस से मैच करती हुई नज़र आए इस तरह से। आपके स्किन का जो एरिया जिस साइड में मूव करता है उसको इस तरह से यहाँ से सीधा लगाएं और यहाँ से इस तरह से कर्व करते हुए लगाएं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद आप इसको 15 मिनट इसी तरह छोड़ दें और 15 मिनट के बाद आप इसकी मसाज करें। थोड़ा सा वापस फिर से थोड़ा वेट कर लिया इसको, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्क्रबिंग करूँगी इसकी, और ये खीरे मैंने अपनी आईज़ पे लगा लिए थे, मैं इसको साइड में रख दूँ बाद में खाऊँगी। तो जब ये आपका स्किन, ये आप स्किन पर फेस पैक लगाने के बाद ये थोड़ा ड्राई हो जाता है तो इसको हल्का सा हल्का से पानी से या रोज़ वाटर से आप इसको हल्का सा वेट करके और इस तरह हल्के हाथ से स्क्रब करके निकालें। जब ये ड्राई हो जाता है फेस पैक तो प्लीज़ आप बोले नहीं, क्योंकि जब बोलेंगे ड्राई फेस पैक पर, आप ड्राई होने के बाद फेस पर अगर आप बोलते हैं तो आपके झाइयाँ आने की
समस्या बढ़ जाती है। तो जब आप फेस पैक ड्राई हो जाता है उस टाइम बोले नहीं, और फेस पैक ड्राई होने के बाद हल्का सा इसको वेट करें और हल्का सा इस तरह से बहुत हल्के हाथों से इस तरह से यहाँ जहाँ आपके ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं यहाँ इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से आप मसाज करें, क्योंकि ये एरिया इस तरह से होता है यहाँ पर आपका ब्लैक ज़्यादा होता है। अपने चारों फिंगर से वन बाय वन अच्छे से मसाज करें यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से नोज़ पर भी करें यहाँ पर। अगर आप करना चाहते हैं तो हल्का सा अपर आईज में भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर भी, क्योंकि इसमें मैंने लेमन वगैरह का यूज़ नहीं किया तो आप इसको आईज़ के डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा वेट और कर लेती हूँ इसको, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से आप गर्दन पे भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब फेस पैक लगाते हैं तो फेस पर लगा के छोड़ देते हैं तो हमारी नेक अलग से ब्लैक दिखाई देती है, क्योंकि फेस पर अलग से नेचुरल ग्लो आने लगता है। और ये इसके अंदर खीरा और मुल्तानी मिट्टी दोनों ही ठंडे एजर्स हैं जो आपको ठंडे ठंडे और कूल कूल होने का एहसास दिलाएंगे गर्मियों में। इस तरह आप इसको करते रहें, 3 से 4 मिनट मसाज करें और उसके बाद अपना फेस वॉश आप अच्छे से करें। मैं फेस वॉश करके आती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैंने 15 मिनट के बाद अपना फेस वॉश कर लिया, ये देखिए नेचुरल ग्लो भी अच्छा सा निकल के आता है और आपको ठंडा ठंडा एहसास भी देता है। ये गर्मियों में ठंडा ठंडा कूल कूल एहसास आपको देगा। प्लीज़ इसको ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको फेस पैक कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।